तो चलिए साथियों, आज का मोटिवेशन क्या कहता है आपके लिए, जरा उसे जानते हैं। आज का मोटिवेशन है, आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। यहां पर आप इसका लिटरल सेंस निकाल सकते हैं। लिटरल सेंस का मतलब हुआ कि यार अच्छा कि हम गए तो सब लोग खड़े हो गए। हमारे यहां उल्टा होता है ना, हमारे यहां उल्टा ये होता है कि आप गए यानी आप गए तो सब खड़े हो गए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, नहीं है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सेंस जो हमने यहां लिखा है, इसके बहुत सारे सार्थक मायने हैं, इन्हें समझने का प्रयास करिए। यहां इस बात का बिल्कुल अर्थ ये मत निकालिएगा कि जब आप उठने शुरू हुए, वहां से खड़े हुए, तो सब लोग वहां पर जो है आपके सम्मान में खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं। यहां पर सम्मान से आप सीधा अर्थ निकाल सकते हैं, वो तो सही है, लेकिन वास्तविकता में साथियों ये समाज के लिए एक कथन है कि आप जब भी अपने आप को कुछ बड़ा करते हुए पाएं तो आपका खुद का ही विकास ना हो रहा हो, आपका ये विकास आपके उस समाज के भी किसी काम का हो जो आपके साथ नित्य जुड़ रहा है। जिस प्रकार से एक शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध है, जितना शिक्षक खुद पढ़ता है, भाई मैं आप लोगों तक कोई भी नॉलेज, ऐसा तो है नहीं कि ये नॉलेज बिना पढ़े मुझे आ जाता होगा, बहुत रिसर्च लगती है जब तक आप तक ये नॉलेज पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में जितना नॉलेज मैंने प्राप्त किया उतना आपको भी दिया, तो मेरा भी एनलाइटनमेंट हुआ, चीजें मुझे भी पता चली और आपको भी पता चली। वास्तविकता में ये समाज इसी क्रम में अगर चले तो देखिए ना दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आज विचार कीजिए कि आज हमारे देश की दो प्रमुख कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, हमारे यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, भारत बायोटेक बना रहा है, अब डॉक्टर रेड्डीज भी आ गया है, लेकिन भारत तो पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनियों का घर कहा जाता है, यानी ये माना जाता है कि दुनिया की लेबोरेटरी है ये, या दुनिया की मेडिसिन हेड सिटी है ये, है ना। तो ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि तीन कंपनी उठने के साथ साथ अन्य कंपनियों को भी अपने साथ लेके उठें, इतना बड़ा बिजनेस करने के साथ में अगर ये और कंपनी के साथ में लेकर के चलें तो सारा समाज की कल्पना करिए कि क्या कोई वैक्सीन के अभाव में पीड़ित रह पाएगा, है एक अपने आप में बड़ी बात। इसी प्रकार से जब आप बैठे तो आपके बराबर आकर कोई बैठ सके, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई भी चीज ऐसी रख दी, और आज के सेशन में यह आएगा साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ दवाएं इस प्रकार से विकसित की गई हैं जो कि केवल अमीरों तक ही उपलब्ध हो पाएंगी, शायद गरीब तो उनके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। आज हम सेशन में उसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं, यानी इसका सेंस भी निकालिए कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं से मतलब है कि आप कह तो रहे हैं कि समानता का भाव है और भी आइए मेरे पास बैठिए, लेकिन साहब आपने स्तर ही इतना ऊपर कर दिया है, कोई कैसे आपकी बराबरी कर पाएगा, है ना। तो जीवन में भी यह कथन सत्य है कि आप अपना मूल स्वभाव इतना अच्छा रखें कि आपके साथ किसी को भी एडजस्टमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपके साथ अगर कोई मित्र ऐसा है आपका जो इस समय रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सका है, वो भी उतना ही कंफर्टेबल हो जितना कहीं किसी जगह का जिला अधिकारी बना हुआ मित्र है, वो भी आपके साथ उतना ही कंफर्टेबल हो। ये जब दो परिस्थितियां आपके विचार के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर आती हैं, तो मानिएगा कि आप सही मायने में सफल हो गए हैं। और जब वास्तविकता में आप इतनी सफलता अर्जित कर लेते हैं तो लोग स्वतः ही प्रेमवश, दयापूर्वक, करुणापूर्वक आपके प्रति आत्मीयता रखते हुए स्वतः ही आपके साथ चल खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं। तो मेरा मानना है, और जीवन के व्यक्तिगत रूप से इस अनुभव को मैं साझा कर रहा हूं, कि व्यक्तित्व आपका कितना अच्छा है इस बात का अनुभव इससे होता है कि आप अपनों के बीच जब हैं तो आपका पद, आपका जो ऑरा है, वो आपके अपनों के बीच भी है या फिर आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उनके बीच में उपस्थित हैं। अगर आप एकदम सामान्य व्यक्ति के रूप में आप उपस्थित हैं तो दैट मींस आप उस समाज के लिए जरूर कुछ करेंगे। आप बन गए एक 3 स्टार या 2 स्टार और घर में जाकर के भी आप अपने घर में भी रौब गांठने लगे, इसका मतलब आप कुछ बने ही नहीं हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं, भविष्य में जब बनिएगा तो इन्हें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि घर में भी आप थानेदार बने घूमें या घर में भी आप SP बने घूमें, ये आपके व्यक्तित्व पर शोभा नहीं देगा, समाज आप जैसे लोगों को याद नहीं रखना चाहता है। ठीक।